हेलो स्टूडेंट्स लेट एस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड सो इक्वेशंस आर थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन एंड टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू सो लेट्स गिवन इन्फॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है पेयर ऑफ इक्वेशोर वाई इज इक्वल टू टेन दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड अनदर इक्वेशन इज टू एक्स माइनस फोर वाई सॉरी टू वाई इज इक्वल टू टू दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड सो लेट्स सोल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो एक्चुअली हमें क्या करें दोनों ही इक्वेशन को एलिमिनेशन मैथड से सोल्व एलिमिनेशन मैथड एंड सब्सटीट्यूशन मैथड से सॉल्व करना तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या एलिमिनेशन मैथड की तो यहां पर लिखेंगे फॉर एलिमिनेशन मैथड ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए हमें क्या करना होता है किसी भी एक वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम यदि यहां पर इक्वेशन नंबर टू में टू का मल्टीप्लाई कर दे तो वाई के कोई क्या हो रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट हो रहे हैं जिससे वाई को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाई एडिशन तो हमने क्या डिसाइड किया यहाँ पे बाई इक्वेशन वन प्लस टू इंटू इक्वेशन सेकेंड तो देखिए वन क्या है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन एज इट इज रहेगा और इक्वेशन नंबर टू में हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस में फोर वाई और इज इक्वल है इक्वेशन को ऐड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सेवन एक्स और ये एक तो कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू कितना टू निकाल ली पुट x इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा देखिए थ्री इंटू टू प्लस में फोर वाई इज इक्वल टू सिक्स सॉरी टेन इम्प्लाईज दैट फोर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन माइनस सिक्स विच इज फोर सो इम्प्लाय दैट वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा वन तो यहां से हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो अब हम बात करते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड की है ना तो फॉर मैथड तो उसके लिए हमने क्या किया इक्वेशन एक्चुअली सब्सटीट्यूशन मेथड में होता क्या कि है किसी भी एक इक्वेशन से हमें दो इक्वेशन दे रखे होते हैं तो किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे वेरिएबल दूसरे इक्वेशन में रखा जाता है तो ना तो यहां पे थोड़ा सा इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हैं तो फॉर इक्वेशन सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू है ना यहाँ पे हमें लिखना है

एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन वन एक्चुअली लिखा क्या है तो इक्वेशन वन में लिखा है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन है ना इसमें एक्स के प्लस पे वन प्लस वाई रखना है तो यहाँ हो जाएगा थ्री और एक्स के प्लस पे वन प्लस वाई प्लस में फोर वाई इज इक्वल टू टेन तो इम्प्लाइज दैट इट बिकम्स थ्री प्लस थ्री वाई और प्लस में फोर वाई इज इक्वल टू टेन तो इम्प्लाईज सेवन तो क्योंकि और अगेन हमें क्या करना इस y की को 3 में कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो पुट वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन थ्री है ना थ्री में रखना है चलिए तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू तो दोनों ही मेथड से हमारे जो एक्स और वाई का आंसर वो सेम है और आने भी चाहिए तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे सो एक्स कॉमा हम वाई ऑर्डर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया हमने और ऑर्डर पेयर टू वन है ना क्योंकि वाई की वैल्यू वन आ रखी है और एक्स की वैल्यू टू आ रखी है तो अब यदि हम ऑप्शन में देखें देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है तो यहाँ पर एक्चुअली एक्स का वैल्यू सेपरेट और वाई का वैल्यू सेपरेट दे रखा है तो हमें भी इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना होगा तो ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से क्या कर रहा है मैच कर रहा है इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे एज एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू वन हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन थैंक यू